हेलो बच्चों, क्लास LKG सब्जेक्ट मैथ। मैथ में आज पढ़ेंगे मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। मोर मतलब अधिक, लेस कम, इक्वल टू बराबर। अब यहां देखिए, आप मैक्रोक्रोडाइल का फिगर बनाई हूं। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, इसको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक, तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे लड्डू का भी फिगर बनाया है। यहाँ पे एक तरफ मैं 3 लड्डू बनाई हूं और दूसरी तरफ मैं 2। एक तरफ इसको 3 लड्डू दिए गए हैं और एक तरफ से इसको 2। तो इसे मीठा पसंद है, तो ये सबसे अधिक वाले को ही खाना चाह रहा है। अधिक वाले को ना खाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 लड्डू है, तो इसका मुख देखिए अधिक है, तो इधर ही खुला हुआ है। ठीक, और दूसरे तरफ देखिए क्रोकोडाइल का मुख, एक तरफ मैंने 1 लड्डू रखा है और दूसरी तरफ 2। तो जाहिर सी बात है, इसे मीठा पसंद है, तो ये किधर खाएगा, सबसे अधिक वाले को ही ना खाएगा। तो देखिए इसका मुख किधर खुला है, 2 की तरफ, ना कि 1 की तरफ खुला है। ठीक, 2 की तरफ खुला है। यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल के मुख से यहाँ पे एक ग्रेटर देन के लिए क्या है, आपका सिंबल है, अर्थात क्रोकोडाइल के मुख से इसका सिंबल लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको नंबर्स को लेके बताऊंगी। एक तरफ आपके 3 नंबर्स हैं और दूसरी तरफ आपके 2 हैं। जैसे आपको एक तरफ 3 लड्डू थे और दूसरी तरफ 2 थे, उसी तरह से मैं यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स हैं। तो अब क्रोकोडाइल का मुख किधर खुला रहेगा सबसे अधिक, 3 की तरफ ना, तो हम एक क्रोकोडाइल का मुख है तो किधर खुला है, अधिक वाले की तरफ ना, ना कि कम वाले की तरफ। ठीक, ये आपका है मोर देन, अर्थात जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक, तो ये अधिक की तरफ खुला है, क्रोकोडाइल का मुंह इधर खुला है। अब इसे देखिए लेस देन, लेस देन में, लेस देन यहां पे मैं समझाई हूं आपको एक बार। फिगर की तरफ एक तरफ 1 है और दूसरी तरफ क्या है, 2 लड्डू रखे गए हैं। तो क्रोकोडाइल क्या कर रहा है, अधिक वाले के भी इसको मीठा ज्यादा पसंद है, तो ये क्या कर रहा है, 2 वाले लड्डू को खाना चाह रहा है। तो ठीक उसी तरह से मैं आपको अंक भी ढक के बताऊंगी, नंबर्स। देखिए एक तरफ मैं 1 नंबर्स रखी हूं और दूसरी तरफ क्या है आपका 2, दूसरी तरफ क्या है 2। तो क्रोकोडाइल का मुंह किधर रहेगा बेटा, 2 की तरफ ना। की तरफ हो गया। तो क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से देखिए अन्य नंबरों के साथ हम कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां पे अन्य नंबरों के साथ देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे 13 है, क्या है आपका 13 है, और यहां पे आपका 11। तो क्रोकोडाइल किसको, मतलब उसको क्या किधर मुंह खुला रहेगा क्रोकोडाइल का, 13 की तरफ ना, 13 की तरफ क्या है उसका मुंह खुला हुआ है। इसी से देखिए यहां पे मान लीजिए आपका 9 है और यहां पे आपका, सॉरी यहां पे आपका 9 है और यहां पे आपका 17 है। तो क्रोकोडाइल का मुंह किधर खुला रहेगा, किधर रहेगा, सेवेंटीन की तरफ। क्रोकोडाइल का मुंह किधर खुला रहेगा, 70 की तरफ।
आपको समझ में आ गया है। अब देखिए यहां पे इक्वल टू के लिए मैं बता रही हूं, दोनों तरफ क्या है, टू लड्डू इधर से रखे हैं और टू लड्डू इधर रखे हैं। तो यहां पे देखिए इसके लिए क्या है, दोनों सेम है, बराबर है। तो यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे टू है और यहां पे टू है, तो दोनों क्या है, दोनों बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल टू, इक्वल टू अर्थात दो स्लीपिंग लाइन खींच देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू। अरे नंबरों के साथ देखिए, जैसे 20 20, इसमें भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल टू अर्थात दो स्लीपिंग लाइन दोनों के बीच में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू। इसका सिंबल क्या है, इक्वल टू का, दो स्लीपिंग लाइन कर देंगे बीच में तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू। तो आपको क्रोकोडाइल के माध्यम से मोर देन, लेस देन, इक्वल टू अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोगों के बुक में भी इसी तरह से सेम दिया हुआ है, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है। ब्लू जग हैज मोर मिल्क, ब्लू जग हैज मोर मिल्क, ब्लू जग में अधिक दूध है, येलो जग हैज लेस मिल्क अर्थात पीने वाले जग में कम दूध है। यहां पे यह चीज बताया गया है, ब्लू वाले जग की अपेक्षा पीले वाले जग में दूध क्या है, कम है, कम है। फ्रॉग पॉपकॉर्न्स आर मोर देन कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स पॉपकॉर्न आर लेस देन फ्रॉग्स, फ्रॉग के पास पॉपकॉर्न कैटरपिलर्स से अधिक है, कैटरपिलर्स पॉपकॉर्न्स आर लेस देन फ्रॉग, फ्रॉग्स कैटरपिलर से कम, कैटरपिलर फ्रॉग से कैटरपिलर का पॉपकॉर्न जो है कम है अर्थात मेढक मेढक का जो पॉपकॉर्न है कैटरपिलर का पॉपकॉर्न मेढक के पॉपकॉर्न से कम है, कम है। नंबर ऑफ कॉक्स आर इक्वल टू सौ शर्ट अर्थात कप की संख्या और तस्तरी की संख्या दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को मोर देन, लेस देन, इक्वल टू समझ में आ गया होगा। थैंक यू।